भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर बोले रतन सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर विनय रतन, जी हां, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपील की है कि वह अपने गृह जिले में ज्ञापन दें। जी हां, उनमें कई मांगे रखी हैं, सुने आप विनय रतन सिंह जी को। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कल की घटना से आप सभी अवगत हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला नहीं, ये पूरे बहुजन समाज पर हमला है, ये हर शोषित वंचित पीड़ित पर हमला है। आज 12 बजे पूरे देश के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें मुख्य मांग हमारी ये रहेगी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। पहले भी पत्रों के माध्यम से अधिकारियों से मिलकर ये मांग की गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा है। तो आज सभी साथी पूरी ताकत से संवैधानिक दायरे में पहुँचे और अपनी ताकत का एहसास भी कराएं, अपनी मांग को भी रखें। शुक्रिया, जय भीम।